एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सलोनी और आज हम कुछ अमेजिंग पेंटिंग हैक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके आर्ट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। तो अगर आपको पेंटिंग पसंद है और आप बिगनर हो, ये हैक्स आपके लिए परफेक्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्प्रे पेंटिंग हैक्स से। ये हैक मुझे बचपन से ही पसंद है क्योंकि इट्स सो इजी और रिजल्ट भी कितना स्टनिंग होता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पुरानी टूथब्रश और कुछ एक्रेलिक पेंट्स। मैं ब्लू और पिंक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम एक ब्यूटीफुल सनसेट सीनरी बनाएंगे। रेडी, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी टूथब्रश को थोड़ा पानी में डिप करो और फिर पेंट में। आपको इंश्योर करना है कि पेंट ज़्यादा थिक ना हो, नहीं तो ड्रॉपलेट्स अच्छे से नहीं बनेंगे। फिर अपने फिंगर्स से टूथब्रश के ब्रिसल्स को ऊपर से नीचे फ्लिक करो जैसे आप एक मैजिक वैंड चला रहे हो। देखा, ये लिटिल पेंट ड्रॉपलेट्स पेपर पे गिर रहे हैं और एक ऑसम टेक्सचर बना रहे हैं। अब हम अपने पेपर के अपर हाफ पे ब्लू पेंट स्प्रे करेंगे जैसे ये स्काई हो, और लोअर हाफ पे पिंक पेंट स्प्रे करेंगे जैसे ये सनसेट हो रहा हो। मैं सोच रही थी, जब मैंने पहली बार ये टेक्निक ट्राई की थी तो मैंने अपने कमरे के हर कॉर्नर पर पेंट से भर दिया था एंड मुझे मम्मी से बहुत डांट भी पड़ी, लेकिन बिलीव मी, इट्स टोटली वर्थ इट। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंटर पे मैंने पेंट के कवर को रख दिया है ताकि ये इस एरिया पे स्प्रे पेंट ना हो। मैं यहाँ सन के लिए स्पेस छोड़ रही हूँ। सो फाइनली अब हम सी को स्काई से सेपरेट करने के लिए कुछ माउंटेन्स के टेक्सचर्स देंगे, जिसके लिए मैं यहाँ ब्लैक पेंट का यूज़ कर रही हूँ फॉर सिल्वेट इफ़ेक्ट। ब्लैक पेंट से सिल्वेट क्रिएट करना पेंटिंग को और भी ड्रामेटिक बना देता है। बस थोड़ा डिटेलिंग करो और वाओ, हमारा ब्यूटीफुल सनसेट सीनरी रेडी है। अब फाइनली हमारे पेंटिंग का सबसे सेटिस्फाइंग काम, टेप को रिमूव करना। अब हम इस टेप को बहुत ही केयरफुली रिमूव करेंगे। इस काम में मुझे डर भी लगता है पर मज़ा भी आता है, और हमारा ब्यूटीफुल सनसेट सीनरी रेडी है। तो चलो अब बारी हमारे हैक नंबर 2 की, और हम यहाँ ट्री को बनाने वाले हैं एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से। ये हैक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो यूनिक टेक्सचर्स क्रिएट करना चाहते हैं, एंड दैट टू विदाउट एनी एफर्ट। इससे हम एक ब्यूटीफुल ट्री क्रिएट करेंगे। पहले आपको एल्युमिनियम फॉइल को क्रम्बल करके एक बॉल बनाना है। ईजी राइट? सो सबसे पहले मैं ट्री का ट्रंक बना रही हूँ, जिसके लिए मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पेंट ब्रश की जगह मैं नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। एंड इसे यूज़ करने का बेनिफिट आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब मैं जल्दी जल्दी ट्री के ब्रांचेस भी बना रही हूँ। एंड नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं फॉइल बॉल को पेंट में डिप कर रही हूँ, और ट्री के लिए ऑब्वियसली हम ग्रीन कलर का ही यूज़ करेंगे। फिर इसे मैं अपने पेपर पर प्रेस कर रही हूँ। एंड यार देखो, ये बिल्कुल यूनिक टेक्सचर्स क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल लीव्स जैसा दिख रहा है। एंड यू नो व्हाट, मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, एंड सीरियसली मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इतना अमेजिंग रिजल्ट दे सकता है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। बस अपने ब्रश से रैंडम स्ट्रोक्स मारो जैसे एक ट्री बनाते हो, फिर फॉइल को ग्रीन पेंट में डिप करके लीव्स क्रिएट करो। और आप भी कलर्स ऐड कर सकते हो और ऑटम इफेक्ट जैसे ऑरेंज और येलो, थोड़ा डिटेलिंग ऐड कर सकते हो, और हमारा ट्री रेडी है। अब बारी हमारे तीसरे हैक की, एंड यहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने वाले हैं यूजिंग लीफ इम्प्रेशंस। इसके लिए आपको चाहिए कुछ रियल लीव्स और डिफरेंट कलर्स के पेंट्स। एंड क्योंकि मैं यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड पर पेंट कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ लाइट एंड पेस्टल कलर्स का यूज़ करने वाली हूँ। एंड यार बिलीव मी, ये टेक्निक बहुत रिलैक्सिंग है और रिजल्ट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल और यूनिक होता है। तो सबसे पहले अपने लीफ को पेंट में डिप करो, एंड मेक श्योर कि पेंट इवनली स्प्रेड हो जाए लीफ के सरफेस पे। आप चाहो तो पेंट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो इसे स्प्रेड करने के लिए। एंड अब इसे पेपर पे प्रेस करो, एंड देख लो यार कितना ऑसम लग रहा है ये इम्प्रेशन। आपको पता है, जब भी मैं नेचर वॉक्स पे जाती हूँ तो हमेशा कुछ लीव्स कलेक्ट कर लेती हूँ जस्ट फॉर दिस पर्पस। और बस आपको कुछ नहीं करना, इसी स्टेप को रिपीट करते रहो विद डिफरेंट लीव्स एंड कलर्स।
एंड भाई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का फन यही होता है कि आपको किसी रूल्स को फॉलो नहीं करना होता, जस्ट गो विद द फ्लो और जो मन करे वो क्रिएट करो। आप इन लीव्स को लेयर करके भी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बना सकते हो। जैसे जैसे लीव्स को लेयर करते जाओगे आप देखोगे कि पेंटिंग और भी वाइब्रेंट और रिच लगती है। एंड अब बात करते हैं कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप नंबर वन, लेयरिंग कलर्स। हर हैक के लिए लेयरिंग कलर्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपके पेंटिंग को डेप्थ और डायमेंशन देता है। टिप नंबर टू, एक्सपेरिमेंटिंग विद टेक्सचर्स। डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करो, आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा मटेरियल अमेजिंग रिजल्ट दे सकता है। टिप नंबर थ्री, ड्राइंग टाइम। हर लेयर के बाद थोड़ा ड्राइंग टाइम ज़रूर दो, ये इंश्योर करेगा कि कलर्स मिक्स नहीं होंगे और आपका फाइनल रिजल्ट नीट और क्लीन होगा। एंड टिप नंबर फोर, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये हैक्स पहले अटेम्प्ट में परफेक्ट नहीं होंगे, प्रैक्टिस करो और अपने यूनिक स्टाइल को डेवलप करो। गाइज, ये थे मेरे तीन पेंटिंग हैक्स जो आप घर पे इजीली ट्राई कर सकते हो। मैं जेन्युइनली इन हैक्स को एंजॉय करती हूँ एंड मुझे उम्मीद है कि आप ही करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा पसंद आया। आप अगर अपने क्रिएशन शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, happy painting. Bye-bye.